सो हियर इट इज द ऑल न्यू एपर्चर एमरन T4C जो कि एक RGB लाइट है जिसको हम एज अ लाइट मोड यूज कर सकते हैं टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक। तो जल्दी से एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद आई शेयर माई एक्सपीरियंस और इसके स्पेसिफिकेशन एंड विल टॉक अबाउट द फीचर्स इज वेल। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो लाइट है ये इस बैग में आती है। सो वेरी गुड पैडेड बैग जो आता है इस जिपर के साथ। तो लेट्स ओपन इट अप और यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ट्यूबलाइट तो ऑब्वियसली यहाँ पे है, आई टेक दिस आउट। बट उससे पहले यहाँ पे एक केबल है जो ऑब्वियसली यूज़ होगा टू चार्ज दिस ट्यूब। एंड उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड पॉकेट में इज द अडाप्टर। तो ये अडाप्टर इस केबल के साथ चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। एंड लास्ट में यहाँ पे नीचे के साइड जो है दिस इज वॉट पावर्स दिस ट्यूब। तो ये जो सेक्शन है दिस इज़ दी बैटरी ऑफ एमरन T4C जो बेसिकली इसको चार्ज करता है, इसको पावर करता है और जिससे पूरी बैटरी निकल के आती है। और लास्ट में है मेन T4C ट्यूब विच इज़ 4 feet लॉन्ग जो नाम सजेस्ट करता है T4C। तो ये अच्छा है कि साइड में इसके पैडिंग है सो दैट ये प्रोटेक्टेड रहे। अब अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो एक चीज़ इम्प्रेसिव है, इट फील्स हैवी, काफ़ी अच्छा खासा वेट है। ऑल्दो इट्स अ 4 feet लॉन्ग ट्यूब बट इसका जो वेट है दैट इज रियली गुड। पीछे की साइड व्हाट आई कैन सी इज मोस्टली मेटल मटीरियल यूज हुआ है जो काफ़ी स्टर्डी है। एंड नीचे की साइड जो सेक्शन है जहाँ पे सारे बटन्स एंड स्विचेस हैं दैट आई फील इज अ बिट प्लास्टिकी। उसके अलावा बाकी जो सारा मटीरियल हुआ है दैट इज वेरी सॉलिड। और नीचे की साइड है माउंट जहाँ पे हम ये बैटरी अटैच कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो ये बैटरी है ये आई थिंक अराउंड 600 grams के आसपास है, जो ट्यूब है दैट इज अराउंड 900 grams। तो कॉम्बिनेशन अराउंड 1.5 kgs का बन जाता है। और ये जो बैटरी है इसको मुझे सिर्फ ये जो एरो और पॉइंट है इसको मैच करना है, इसके बाद रोटेट करना है, एंड आफ्टर दैट दिस बैटरी पावर्स द ट्यूब लाइट। बट पावर ऑन करने से पहले एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो इसका DC आउटपुट यहाँ बना हुआ है एंड दिस इज द इनपुट जो लाइट में इस साइड पे सेक्शन है। अब ये जो केबल है ये एकदम पूरे साइज की है कि मैं इसको यहाँ पे अटैच कर सकूँ। इसका ये बेनिफिट है कि केबल कुछ यहाँ लटकेगी नहीं, इट्स पूरी लेंथ की है तो एक सिमेट्री बन जाता है और ज़्यादा वायर हैंग नहीं करता। और उसके बाद मैं इसको अलग से भी इस तरीके से DC इन में लगा के यूज़ कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, द सेकेंड ऑप्शन इज़ अगर आप इसको कंटिन्यूसली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो अपने शूट्स में, म्यूज़िक वीडियोज़ में या कॉर्पोरेट शूट्स में, तो इसका जो ये केबल आता है ना चार्जिंग वाला अडाप्टर, ये डायरेक्टली मैं इसके अंदर लगा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स बैटरी रहेगा, मैं इसको फॉर एज मच लॉन्ग ड्यूरेशन एज आई वॉन्ट टू रन दिस मैं उसको अडाप्टर के साथ यूज़ कर सकता हूँ। एक चीज़ अच्छी है कि थ्रू आउट दिस लाइट यहाँ पे मल्टीपल माउंटिंग ऑप्शन हैं। तो ऊपर की साइड भी यहाँ पे माउंट्स हैं, सेंटर में भी 3 माउंट्स हैं, इवन नीचे की तरफ यहाँ पे 3 माउंट्स दिए हुए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि बैटरी ग्रिप के नीचे भी है, एंड इवन अगर आप ट्यूब यूज़ कर रहे हो विदाउट बैटरी ग्रिप तो इसके नीचे भी माउंट दिया हुआ है। बाकी टॉकिंग अबाउट दी बैटरी, तो इसकी जो ग्रिप है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। टॉकिंग अबाउट द रन टाइम, तो एपर्चर क्लेम करता है अराउंड 100 मिनट्स तक ये चल सकता है। तो यू कैन सेफ साइड आप ले सकते हो कि 1.5 घंटा आप इस बैटरी के साथ इस लाइट को एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जब मैं इस बैटरी को अगर चार्ज करना चाहता हूँ तो एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो DCI इन आउट दिया हुआ है तो मैं इस तरीके से अपनी ग्रिप को हटा सकता हूँ लाइट से। एंड अब जो ग्रिप है ये सिर्फ अलग से चार्ज हो सकती है, मुझे पूरी ट्यूब को साथ में चार्जिंग में नहीं लगाना पड़ेगा। बट मेरा एक पॉइंट है कि अभी भी अगर लाइट्स ये DC अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं एंड मुझे अलग से अडाप्टर कैरी करना पड़ेगा, इट वुड हैव बीन गुड अगर इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सी टाइप चार्जिंग आ सकता है तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल हो जाएगा। और अगर मैं आउटडोर शूट पे हूँ, मेरे पास चार्जर नहीं है, तो मैं किसी तरीके से इसको ईजिली चार्ज कर पाऊँ, बिकॉज आजकल हर किसी के फ़ोन में सी टाइप तो यूज़ होता ही है एक्सेप्ट फॉर iPhones। अब अगर एमरन T4C के कलर एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसका जो CRI रेटिंग है दैट इज 95 और TLCI इज 98, जो बेसिकली मीन करता है कि इस लाइट का जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग 98 या 95 की रेटिंग है। बाकी इसके फीचर्स और समझते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हमें ऑफर होता है। तो अब अगर इसके बैक साइड पे आते हैं थोड़े से इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर स्विच से यहाँ पे ऑन करता हूँ तो मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। तो CCT में द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 2500 केल्विन, जहाँ पे आपको येलोइश टेम्परेचर दिखेगा, और अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा इट गोज ऑल द वे टिल 7500 केल्विन, जहाँ पे आपको प्रॉपर व्हाइट लाइट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रोल दिया हुआ है इसको मैं प्रेस करके
ओके कर सकता हूँ या मेरे को किसी पॉइंट पे जाना है मैं उसको सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सीसीटी में इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी को भी मैं यहाँ पे इजीली चेंज कर सकता हूँ। जो व्हील है उसको लेफ्ट मूव करके माइनस में जाएगा, राइट में जाके इंटेंसिटी प्लस होता जाएगा। बस एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं इस व्हील को यूज़ कर रहा था टू मूव बिटवीन ऑप्शंस एंड इंक्रीज द नंबर्स या डिक्रीज, तो मुझे लगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुझे अब जैसे इंटेंसिटी से सीसीटी पे जाना है तो मेरे को दो या तीन बार उसको राइट पे लेके जाना पड़ेगा। वही अगर ये एक क्लिक पे होता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईजी होता, और अगर मैं शूट पे हूँ जहाँ मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, इतना सोच नहीं सकता, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा इशू आ सकता है। बट आई नो ये एक्सीडेंटल टाइम्स के लिए थोड़ा बेटर है कि गलती से अगर इधर उधर हो गया तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी सही हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि अगर एक क्लिक पे होता तो कहीं ना कहीं बेटर हो सकता था। एंड द नेक्स्ट मोड इज HSI। HSI इज बेसिकली ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एज वी ऑल नो अगर मैं कम करूँगा तो लाइट की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ह्यू पे अगर मैं जाता हूँ तो ह्यू में क्या है, बेसिकली 360 डिग्री जो कलर स्पेक्ट्रम है उसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, पर्पल, यू नेम इट, और वो कलर आप इस लाइट में सेट कर सकते हो। लास्टली सैचुरेशन, सैचुरेशन इज बेसिकली उस कलर का आप कितना सैचुरेटेड रखना चाहते हो। अगेन 0 से 100 का रेंज है, 0 मीन्स नो सैचुरेशन एंड 100 मीन्स मैक्सिमम कलर सैचुरेशन। देन यहाँ से अगर मैं वापस मेन्यू पे जाता हूँ द नेक्स्ट ऑप्शन इज जेल। तो इंटरेस्टिंगली Apucha ने इसमें जेल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो जेल में क्या है, अगर मैं आगे को स्क्रोल करूंगा तो मुझे कलर फिल्टर्स मिलते हैं। अब कलर फिल्टर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं यहाँ पे, आई कैन स्विच बिटवीन CTO, देन कलर्स के हैं, सियान के हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो डिपेंडिंग अगर आप ऑलरेडी आप जानते हो कि फिल्टर्स कैसे होते हैं और किस किस नंबर्स पे आपको फिल्टर्स यूज़ करने हैं तो स्पेसिफिकली इसके अंदर फीडेड है, आप डायरेक्टली उस फिल्टर पे जा सकते हो और वो लाइट को यूज़ कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ FX। अब FX अगर आप RGB लाइट का पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे, ये मोचना काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं लाइटनिंग पे जाऊंगा तो इस तरीके से मैं लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। तो एक सिंगल ऑप्शन है, देन लूप है कि भाई वो लूप में लाइटनिंग चलता रहेगा, और इस तरीके से और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लाइक पेपराजी है, देन कलर चेज है तो इस तरीके से कलर चेज होता रहेगा, देन कैंडल है, एक्सप्लोजन है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, कॉप कार है। अब कॉर्प कार पे अगर मैं जाके करूँगा तो देखो इस तरीके से जो कार का इफेक्ट होता है ना कलर्स का, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, देर आर 15 बिल्ट इन इफेक्ट्स जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने शूट्स में, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में या किसी क्रिएटिव वीडियो में। देन उसके बाद कस्टम इफेक्ट्स भी आप अपने बना सकते हो, उसके लिए हमें साइडस ऐप यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऐप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये साइडस ऐप का इंटरफेस है जहाँ मुझे ऊपर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, वाइट, जेल, कलर एंड इफेक्ट। तो सबसे पहले वाइट में मुझे इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलता है। देखो लाइव जैसे ही मैं यहाँ से स्लाइडर मूव कर रहा हूँ ना, रियल टाइम इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा यहाँ से पूरा मैनेज हो सकता है। और एक चीज़ अच्छा, 3 प्रीसेट्स हैं, क्वार्टर, हाफ एंड फुल, तो मुझे मैनुअली स्लाइड नहीं करना पड़ेगा, मैं इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ से अगर मैं कलर टैब पे जाता हूँ तो मुझे कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले है कलर स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने दिखाया था 360 डिग्री, मैं किसी भी कलर पे जाऊँगा यहाँ से आप देखो मैं उसको लाइव चेंज कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मुझे एक टोन ऑफ येलो चाहिए, तो इस तरीके से मैं स्लाइड करके वो इजीली यहाँ पे मैच कर सकता हूँ। देन यहाँ पे ये पिकर टूल है जहाँ पे अपेरेंटली अगर मैं इस तरीके से रेड कलर रखता हूँ, पिकअप करता हूँ, तो काफ़ी एक्यूरेटली अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊँ ये कलर पिक कर रहा है और एकदम से इंस्टेंटली वो उसको मैच भी कर रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एक स्पेसिफिक कलर टोन लेना चाहते हो तो आप सीधा वो कलर रख के यहाँ से मैच कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इफेक्ट्स पे जाते हैं, इफेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि पार्टी लाइट्स है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कॉप कार है, वही जो इफेक्ट्स मैंने आपको लाइट में दिखाए थे, सेम चीज़ ऐप से मैनेज हो सकती है। सो दैट वॉज इट अबाउट Apucha Amaron T4C, जो कि एक RGB WW40W का लाइट ट्यूब है जिसको आप काफ़ी क्रिएटिवली अपनी वीडियोज़ में, प्रोफेशनल शूट्स में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज Apucha इज़ अ ब्रांड जो प्रोफेशनली काफ़ी यूज़ होता है, चाहे वो म्यूज़िक वीडियोज़ हों, प्रॉपर फिल्म शूट्स हों या डॉक्यूमेंट्रीज। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, T4C का प्राइस जितना मैंने अभी ऑनलाइन देखा है, इट्स अराउंड 30,000। तो अगर आप एक ऐसी लाइट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसको आप अपने शूट्स में यूज़ करना चाहते हो प्रोफेशनली, इंटेंसिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोड्स हैं, जेल्स हैं,
बहुत अलग अलग इफेक्ट्स हैं इसके अंदर और आप ऐप से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो और काफ़ी रिस्पॉन्सिव ऐप है बाय द वे। आई थिंक एट दिस प्राइस दिस लाइट इज़ एक्चुअली गुड। अगर आप प्रोफेशनली शूट करना चाहते हो, कैजुअली शूट करते हो, तो और ऑल्टरनेट्स हैं जो चीपर प्राइस पे मिल सकते हैं, जिनको हमने पहले अपने चैनल पे कवर किया है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।